हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिकंदराबाद हिसार में लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश, चार आरोपी को किया गिरफ्तार। चलते सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस के एसी व स्लीपर कोच में यात्रियों के सामान, पर्स आदि चोरी करने के मामले का जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने पर्दाफाश किया, साथ ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गत 22 जनवरी को जीआरपी थाना के क्षेत्र अधिकार में चलती सिकंदराबाद हिसार एक्सप्रेस के एसी कोच व स्लीपर कोच में लेडीज पर्स, नकदी, जेवरात, मोबाइल व अन्य चोरी करने का मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी के अतिरिक्त महानिदेशक संजय अग्रवाल, उप महानिदेशक संदीप सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत, जोधपुर जीआरपी एसपी श्रीमती राशि डोगरा डूडी के आदेश अनुसार प्रकरण के खुलासे व अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए। इस पर जीआरपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती योगिता मीना के निर्देशन में उप अधीक्षक ताराराम बैरवा व जोधपुर जीआरपी थाना अधिकारी किशन सिंह, अजमेर जीआरपी थाना की श्रीमती सुशीला विशोई, आपूर और जीआरपी थाना अधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में जीआरपी अजमेर जिला विशेष शाखा साइबर टीम प्रभारी सहायक उप निदेशक मनोज कुमार की टीम गठित की गई। प्रकरण में हर संभव कामयाबी के लिए रात दिन प्रयास किए गए। अनुसंधान के दौरान जोधपुर जीआरपी कांस्टेबल मोहनलाल की सूचना पर चोरी की वारदात अंजाम देने वाली गैंग के चार सदस्यों, दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी मोहम्मद खान मुख्तार उर्फ दिल्ली निवासी दिलशाद पुत्र बुंदू खान, दिल्ली के नॉर्थ गोंडा निवासी आजाद पुत्र मोहम्मद हनीफ व दिल्ली के गणरव समौली प्रताप नगर निवासी सचिन पुत्र घसीटा राम पंचाल के बारे में बताया गया। इस पर जीआरपी अजमेर जिला विशेष शाखा साइबर टीम प्रभारी मनोज कुमार में टीम सदस्यों द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर चारों संदिग्धों को दस्तैप किया गया, जिनसे पूछताछ करने पर वारदात को अंजाम देना स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, जिन्हें कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए भंवर सिंह नाथावत एसपी जीआरपी अजमेर, इन्होंने ये कहा, जिनकी हारी जमानतें हुई थी अपराधियों की, उनको लाला के टटोला गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, टोल पर सीसीटीवी देखे गए, वहां से जो गाड़ियां गई आई, हर गाड़ी को तस्ती की गई, हर गाड़ी वाले को बुलाया गया, जो भी जहाँ कमांडर जीव है या अन्य संसाधन है सबको वहाँ टटोला गया। जो लोग रात को वहाँ से गुजरे, जिनके मोबाइल लोकेशन आ रही थी, कितनी ग्रुप बनाए थे, करीब 10-12 ग्रुप बने थे, हर ग्रुप को टटोला गया, जिसमें 2-3 ग्रुप तो रेलवे के काम करने वालों के लगे। तो इसमें पूरी टीम ने बहुत गंभीरता से प्रयास किया है, अच्छी मेहनत की है। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।